ये का डिस्ट्रिक्ट लेवल पे साइंस एग्जीबिशन के लिए अपना मॉडल लेकर गया था, तालुके में फर्स्ट आया अल्हम्दुलिल्लाह। और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कल रिजल्ट शाम में ऐलान किया गया, जिसमें बच्चे को कंसोलेशन प्राइज मिला था, लिहाजा मैं उसको तैयार करने वाली, उसके रेफरी करने वाली मैडम जो है माहिरा मैडम से इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ लाए, रैया से भी इल्तिमास करता हूँ कि तशरीफ लाए, और डाइस पे तमाम ही लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि अपनी जगह खड़े रहे, और चेयरमैन साहब से और पटेल सर से और डॉक्टर अतुल सत्तार अंतरी साहब से इल्तिमास करता हूँ कि इस बच्चे की खिदमत में ये तोहफा और ये सर्टिफिकेट पेश करें। जी, उसके प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा सराहाया गया और बहुत ज्यादा तारीफ की गई। उस बच्चे की गाइड जो थी वो माहिरा मैडम थी। यहाँ अगर तशरीफ फरमाओ तो तशरीफ लाए माहिरा मैडम। अरे 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 बोलना अरे उधर हटते अरे। इस बच्चे ने जो प्रोजेक्ट तैयार किया है एक यूनिक टाइप का, यानी स्पीड ब्रेकर जो रहते हैं उनको किस तरह से कंट्रोल किया जाता है, वहाँ पर आमदार मिनिस्टर सब लोग थे, सबों ने देखने के बाद अप्रिशिएट किए, और कभी इंशाल्लाह ये प्रोजेक्ट के जो थीम है इस थीम को गवर्नमेंट अडॉप्ट करके हर जगह पे इम्प्लीमेंट भी कर सकती है। ये बहुत बड़ा एजाज है और बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। इस तालिबे इल्मे के लिए भी चीफ गेस्ट हमारे डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले की जानिब से 500 रुपए का तोहफा। सलाम तालियां बहुत कमजोर है, जोरदार तालियां का इस्तेमाल कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे लिए खुशी की बात है कि हमारे उन बच्चों के लिए जिन्होंने 10वीं में फर्स्ट, 12th आर्ट्स, 12th कॉमर्स और 12th साइंस में फर्स्ट, भजनदार इंग्लिश स्कूल में 10वीं में फर्स्ट, और इसी तरह डिग्री कॉलेज में TYM में जिस भी फैकल्टी में रहेंगे जो फर्स्ट रहेगा उनके लिए आज कैश प्राइज इनाम दिया जा रहा है। और उस बस में का नाम है बस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु, जिसके सदर है नदीम अहमद फजंदा साहब, नाइब सदर है वसीम इकबाल जटान साहब, हाजिर है हमारे उकई जनाब और सेक्रेटरी है अब्दुलरहमान अब्दुलरजाक चरफरी साहब, नाइब सेक्रेटरी है रियाज अहमद गुलाम हुसैन जटान साहब, उसी के साथ उनके जो मेंबर हैं वो मुराद फकी साहब, मोहम्मद सैद अब्दुल सत्तार कुड़के साहब, अब्दुल सलाम अब्दुल्ला चरफरी साहब और गुलाम हबीब कादरी साहब। लिहाजा इनकी जानिब से अपने बच्चों को कैश प्राइज दिया जा रहा है। सबसे बड़ी बात, अहम बात इस तंजीम के बारे में ये है कि लॉकडाउन में, साइक्लोन में, सैलाब के दौरान इस तंजीम ने घर घर जाकर लोगों को मदद की। आज भी 2 वक्त की रोटी, 2 वक्त का खाना जिनके घर पे कोई कमाने वाला पकाने वाला नहीं है उनके घर पे आज से ये खाना शुरू हो रहा है। 2 वक्त का तकरीबन 50,000 रुपए का ये महाना खर्च रहेगा, ये तंजीम पूरी करे। जोरदार तालियां तंजीम के लिए। साथ ही साथ मेडिकल लाइन में, एजुकेशन लाइन में, फलाही कामों में बेवाओं के लिए वजीफा 1500 रुपए हर माह दिया जा रहा है। ये भी हमारे लिए खुशी की बात है कि जो कमाने से मोहताजी कमा नहीं सकते, बाहर निकल नहीं सकते, मजबूर है, उन मजबूरों की मदद करना इन्होंने अपना मकसद बना लिया है। हम दुआ करते हैं अल्लाह उनकी ऐसे काम को, कार्य खैर को कबूल भी करे और इनकी मदद करे, और ये जरिया जो है, ये जो कार्य खैर है ये आखिरत के लिए जरिया नजात बने सबके लिए। आइए उन्हीं की जानिब से हमारे उन तलबा तालिबात को इनाम दिए जा रहे हैं जो बोर्ड के एग्जाम में अव्वल आए हैं। सबसे पहली तालिबा है घोड़े रिफत मोहजम, ये 10वीं में अव्वल आई है। मैं तंजीम के सदर नदीम भाई पजंदा से इल्तिमास करता हूँ कि ये एनवलप जो है कैश प्राइज है अपने हाथ से दें। ये सामने बच्चे आए तशरीफ लाए, तालियों में कमजोरी नहीं होना चाहिए। ये 10वीं में SSC में फजलदार उर्दू स्कूल में फर्स्ट आई बच्ची है। फजलदार इंग्लिश में फर्स्ट आने वाली तालिबा है जाबरे जिनाद दिनेश। यह मैं नायब सदर वसीम इकबाल जटाम साहब से इल्तिमास करता हूँ
कि उस बच्ची की खिदमत में तोहफा दें। वो बच्ची कहीं गई है तो इंग्लिश मीडियम के जो टीचर्स हजरत हैं उनमें से कोई तशरीफ लाए जी। बच्ची आई है? नहीं है, बॉम्बे में है, नहीं है। मैडम आप तशरीफ लाए, तालियों में कोई कमी होना चाहिए। उसके बाद आज में फर्स्ट आने वाली तालिबा है राहुल जमीला अशफा। मैं बसपा के सेक्रेटरी जनाब अब्दुल रहमान अब्दुल रजाक चरफे और बाबा जनाब से इतमाद करता हूं कि उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। इसके बाद कॉमर्स में फर्स्ट आने वाले तालिबे इल्म है चिस्कर अनवार आकिब। मैं बसपा के नायब सेक्रेटरी रियाज अहमद गुलाम हुसैन साहब से इतमाद करता हूं कि उस बच्चे की खिदमत में तोहफा पेश करें। ज्यादा तालियों के साथ। उसके बाद साइंस एकेडमी में फर्स्ट आने वाले तालिब इल्म हैं हजवानी अब्दुल्ला आसिफ अली। मैं बसपा के खासे उनके जनाब से इतमाद करता हूं कि इस तालिब इल्म की खिदमत में तोहफा पेश करें। इसके बाद टीवाईपीए में फर्स्ट आने वाले तालिबान जी। अब टीवाईपीए में फर्स्ट आने वाले तालिबान तोहिन तहरीब इरशाद मैं नदीमा से इतमाद करता हूं कि उनकी खिदमत में तोहफा पेश करें। आइए बच्चे आइए। इसके बाद तिवर बीएससी में फर्स्ट आने वाली तालिबाए खतीब फातिमा अखदा नदीम भाई से इतमा है कि ये भी तोहफा अपने हाथ से पेश करें। आइए अब उन इनामात को पेश किया जा रहा है जो हर साल पेश किए जाते हैं और सबसे खुशी की बात है कि देने वाले भी यहाँ मौजूद हैं और लेने वाले बड़ी तादाद में यहाँ आए हुए हैं। वो है एनके वाहिद ट्रॉफी। आप जानते हैं कि आधारे में वाहिद सर मौजूद थे, हमारे प्रिंसिपल थे, आज हमारे दरमियान मौजूद नहीं है। मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह उनकी मगफिरत कर दें, उनके कपड़ों को नूर से भर दें और उनके बच्चे जो सिलसिला जारी रखे हुए अल्लाह उनकी कमाई में बरकत दे दें और ये सिलसिला इंशाल्लाह हमेशा चलता रहेगा क्योंकि इन कितने बच्चों की दुआएं आपके साथ है। और यही इनामत अभी आपके सामने पेश किए जा रहे हैं फैकल्टी वाइज। ये इनामत उन लोगों को दिए जाते हैं जो 12th आर्ट्स 12th कॉमर्स और 12th साइंस में पोर्टो सलवा असलम। फिर से तशरीफ लाए मुकादम सलवा असलम।
ये इंग्लिश में फर्स्ट आई है। दूसरी तालिबा है सेकेंड आने लाडगे राहिम इरफान, लाडगे राहिम इरफान। थर्ड आने वाले तालिब इल्म है ईसाने शिफान आए, उसकी बहन आई है, बेटा जल्दी आ जाओ। इसके बाद वाले इनामत 12 कॉमर्स उर्दू में चेयरमैन साहब से इतिमास है, चेयरमैन जनाब अब्दुल फजलदार साहब से इतिमास है, इसके बाद वाले इनामत अपने हाथ से दे। 12 कॉमर्स उर्दू में फर्स्ट आने वाले तालिब इल्म है हसवारे समीर शफीक। सेकेंड आने वाली तालिबा है बली अल्फिया समीर, आइए बली अल्फिया, उसकी बहन या भाई है या बली, आइए बेटा जल्दी तशरीफ लाओ। नहीं है कोई है बली अल्फिया, जल्दी तशरीफ लाओ बेटा। इससे पहले ऐलान किया जिनको इनाम मिल रहे, जिनको फोन गए थे उधर आगे आ जाए। बली अल्फिया समीर चेयरमैन साहब, ये भी इनाम आपके हाथ से देना, चेयरमैन साहब तीनों इनाम आपको हाथ से देना है। और थर्ड आने बली अल्फिया जो और थर्ड आने वाली तालिबा है अलसुनकर शिफा फैयाद। ये कॉमर्स था, इंग्लिश उर्दू था, अब कॉमर्स में इंग्लिश में फर्स्ट आने वाली तालिबा के लिए पटेल सर से दरख्वास्त है अपने हाथों से इनाम दें। फर्स्ट आने वाले तालिबे में चिस्कर अम्मार आकी। सेकेंड आने वाली तालिबा ईसाने मरियम अब्दुल सत्तार। ये मौलाना की खिदमत में पेश किया है बेटा, लेकिन ईसाने मरियम मौलाना की खिदमत में पेश किया है, जागर मौलाना खुद ले रहे हैं। इसके बाद थर्ड आने वाली तालिबा शेखना खुदा सुहेल। आइए तालिबा किसी को लेने के लिए कहा है क्योंकि इनके एग्जाम चल रहे हैं। शेखना खुदा सुहेल रखो बेटा बाजू। इसके बाद 12 साइंस में उर्दू में फर्स्ट आने वाली बच्ची है जिसके लिए डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले साहब से, क्योंकि बार बार जुबान पर दरवी साहब आ रहे हैं, अंतुले साहब से इल्तिमास है कि घोले आयशा जाहिर 12 साइंस उर्दू में फर्स्ट आने वाली तालिबा, पूरे कॉलेज में भी फर्स्ट यही बच्ची आई है उर्दू में। जोरदार तालियों के साथ इस बच्ची का इस्तकबाल कीजिए। सेकेंड नंबर पे तीन तालिबात है, पहली है कारविंकर सानिया हनीफ, ये सेकेंड आई है। सेकेंड पे और एक तालिबा है पठान आमिना अशरफ, डॉक्टर साहब अपने हाथ से ही दे रही है ना, पठान आमिना अशरफ। और एक सेकेंड आने वाली तालिबा है राघवेल खदीजा आसिफ, जिसने पिछले बार था जुनेसर का रोल अदा किया था और इनाम भी हासिल किया था। हमने अब थर्ड रैंक के इनाम है वो असरा से इतिमा से अपने हाथ से है। थर्ड आने वाली तालिबा ठोकन सादिया मोहम्मद सलीम, ये ठोकन आयशा की बहन है, जो दसवीं में ठोकन आयशा है उसकी बहन है। इसके बाद वाला इनाम गुलाम रसूल सर से इतिमा से कि आप अपने हाथ से दें। हवलदार तमन्ना निसार तशरीफ लाए, जिसने चांदवा में जोरदार आवाज के साथ एजुकेशन के बारे में आवाज उठाई थी। उसके बाद वाला इनाम मौलाना से इतिमा से कि गंतारे तनाज रियाज की खिदमत में मौलाना संगे मुजफ्फर साहब ये इनाम पेश करें। तनाज तशरीफ है बेटे मौलाना मुजफ्फर संगे। साइंस इंग्लिश में फर्स्ट आने वाली तालिबा मैं नदीम भाई से दिमाग करता हूँ कि तशरीफ लाए शेख आयशा अब्दुल खालिक, इंग्लिश में 12 साइंस में फर्स्ट। दो लोग आए, इसके बाद वाला भी ऐलान हो रहा है, एक तालिबा है और एक तालिबा है।
इमरान एंथोनी सर से इतवास के आगे तशरीफ लाए, दूसरे तालिबान जब फर्स्ट आए हजवाने अब्दुल्ला आसिफ। आज सबसे ज्यादा इनाम लेने वाला तालिबान में हजवाने अब्दुल्ला आसिफ, और दो इनाम उसके बाकी है। अब अमीरुद्दीन जनाब से इतवास के तशरीफ लाए, जनाब अमीर जनाब तशरीफ लाए। अजय सर बच्चों की हिम्मत अफजाई के लिए सेकेंड आने वाली तालिबा है खेड़ेकर निदा इब्राहिम, इसने अपने बहन को कहा है लेने के लिए, बहन तशरीफ लाए। अमानी कहा बेटा, अमानी तशरीफ लाओ बेटा। खेड़ेकर निदा इब्राहिम अगला इनाम देने के लिए इनेस सर से दिमाग है, इनेस सर इसके बाद है देशमुख हुदा सलमान खान, देशमुख हुदा सलमान खान ये भी आपको लेना है हमारी, ये इन्हें सर तशरीफ है, इन्हें सर क्या सर ये इनाम थे, ये इनाम थे कि एन ए वाहिद ट्रॉफी के नाम से जाने जाते हैं इनाम यहाँ मुकम्मल हुए, और ऐसे इनाम पेश किए जा रहे हैं जो इसी साल शुरू हुए, और ये हमारे असरा सर है और उनके बेटे डॉक्टर शोब है जिन्होंने इस साल दो इनाम चार इनाम का इजाफा किया है, जिसमें मैथ्स में दसवीं में फर्स्ट आने वाले के ट्रॉफी है, फजलदार उर्दू स्कूल में, फजलदार इंग्लिश स्कूल में, और ट्वेल्थ में बायोलॉजी में, और साथ ही साथ मैथ्स में जो टॉप आने वाले बच्चे हैं उनके लिए इनाम इस साल से उन्होंने जारी किए हैं। तो आइए उनको इनाम देते हैं। चेयरमैन साहब से इतिमास है कि पहला इनाम जो एसएससी फजलदार उर्दू स्कूल में मैथ्स में फर्स्ट आने वाली तालिबा है घोड़े रिफात मुअज्जम, तशरीफ लाए मैडम घोड़े रिफात मुअज्जम। इसके बाद फजलदार इंग्लिश स्कूल में फर्स्ट आने वाली तालिबा है जावड़े जीनाल दिनेश, अब्दुल फजलदार साहब से इतिमास है कि आयशा मैडम की खिदमत में ये इनाम पेश करें, जावड़े जीनाल दिनेश ऐसे मैडम तशरीफ लाए। ये मैथ्स में फर्स्ट आने वाले स्टूडेंट थे एसएससी बोर्ड में, अब एचएससी बोर्ड में मैथ्स में फर्स्ट आने वाले तालिबान में असना सर अपने हाथ से है इनाम, वो तालिबान है हजवानी अब्दुल्ला आसिफ अली, असना सर अपने हाथ से है। दूसरा इनाम भी उसी तालिबान को जा रहा है, लिहाजा चीफ गेस्ट से डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतुले साहब से इतिमास है कि ये इनाम दे। बायोलॉजी में फर्स्ट आने वाला तालिबान ये भी हजवानी अब्दुल्ला आसिफ है जिसको 94 मार्क्स मिले बायोलॉजी में, और इससे मैंने उसको मैथ्स का जो इनाम दिया गया उसमें 86 है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह और तरक्की अता फरमाए। आइए अब वो इनाम पेश किए जा रहे हैं जो चार इनाम रहते हैं, और जिन इनाम को सुनने के लिए बच्चे बड़े बेकरार रहते हैं, और वो रहते हैं बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर, बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर। टेंथ में एक बॉय के लिए एक गर्ल के लिए दिया जाता है, इसी तरह ट्वेल्थ में भी एक लड़के के लिए और एक लड़की के लिए दिया जाए, लिहाजा ये बहुत सीक्रेट रहता है, वहां मौजूद है उनको भी मालूम इसको मिला है, लिहाजा इसका ऐलान करने के लिए मैं अदारे के प्रिंसिपल जनाब राहिल फजलदार साहब से इत्तेमाद करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। देखिए हर साल पूरे साल भर की एक्टिविटी को देखते हुए, एक्टिविटीज उसके बाद अदर्स पॉइंट्स को देखते हुए जो है ईयर ऑफ एंड ऑफ द ईयर हम रूरल जूनियर कॉलेज से एक बेस्ट स्टूडेंट में एक गर्ल और एक बॉयज को हम करते हैं, इसी तरह हाई स्कूल में से भी एक बॉय और एक गर्ल का जो है हम इंतजाम करते हैं। तो इस साल यानी एकेडमिक ईयर 23-24 में हाई स्कूल से जो बेस्ट बॉय जिसका सिलेक्शन हुआ है वो है मखजंकर अरफा सही 10-2। आज के हमारे मेहमान डॉक्टर माजिद साहब से गुजारिश करता हूं कि उसका इस्तेमाल करें।
से बेस्ट गर्ल का जिसका सिलेक्शन हुआ है वो है खोकन आयशा मोहम्मद सलीम चेयरमैन जनाब अब्दुल सजनदार साहब और पटेल जनाब से गुजारिश करता हूं कि वो इस बच्ची का ट्रॉफी पेश करें। इसी तरह जूनियर कॉलेज में जिसका बेस्ट बॉय के लिए सिलेक्शन हुआ है कौन गेस यदूकर मुजक्की मुजफ्फर यहां का है असलम से और नदीम खान सरकार से गुजारिश करता हूं कि उस बच्चे को ट्रॉफी पेश करो। लड़कियों में पटेल मिर्जा बाबा से गुजारिश करता हूं कि वो स्टेज पर चला है और इस बच्ची को जो है आज के चीफ गेस्ट डॉक्टर अब्दुल सत्तार अंतरे साहब से गुजारिश करता हूं कि वो इस बच्ची को ट्रॉफी पेश करे। उसके उनके इस बच्ची के वालिद बाबा पटेल साहब मौजूद है ये भी मैं स्टेज पर आने की दावत देता हूं। आज जिनका हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज में बेस्ट गर्ल और बेस्ट बॉय के लिए सिलेक्शन हुआ है मैं उनको जो है फतेहनगर एजुकेशन ट्रस्ट और फतेहनगर हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज की तरफ से मुबारकबाद पेश करता हूं। अल्लाह हाफिज। जिन तालिबात ने आज आपके सामने निजामत पेश की लिहाजा उनका एजाज किया जा रहा है। पहली तालिबा है जटा मालिना। मैं मौलाना मुजफ्फर संगीत साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसकी खिदमत में फूल दे रहे जटा मालिना एलिमेंट साइंस ए। आज उन्होंने निजामत के फरज अंजाम दिए। इसके बाद है खजानदार सुमैया। वो बच्चे कुछ बाहर गए हुए मैं नदीम भाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप खुद ही इसको ले लें फूल को। मौलाना मुजफ्फर साहब में फूल पेश करें नदीम भाई की खिदमत में। और तीसरी तालिबा है जलाल आसमा। ये तालिबा भी फ्रेश होने के लिए गए हुए बाहर आगे तक आज मेरे सुमैया आजम कब से इंतजार कर रहे हैं सर। दोनों बच्चियाँ हैं दोनों बच्चे दर्शन कर मैं मौलाना मुजफ्फर संगे साहब से इतिहास करता हूँ कि सुमैया की कृपा पर कृपा कुछ है तालियां जोरदार होना चाहिए। नदी में आपके नदी भाई को सुमला उधर ये लम्हा पार्लर नहीं आता एक साल के बाद आएगा इसके लिए पहले आ जाए। और सबसे बड़ी बात ये है डॉक्टर साहब सबसे बड़ी बात है बच्चे जो है ये इंग्लिश मीडियम के और इन्होंने आपके सामने जो अशार पेश किए ये उर्दू में किए अल्हम्दुलिल्लाह। तो दूसरी तालिबा है जलाल आसमा। मैं गुलाम रसूल साहब से इल्तिमास करता हूँ कि बच्ची की खिदमत में बुलाया की तरफ पेश करें। अक्सर निजामत करने वालों को भूला जाता है भूल देते हैं। आइए अब कुछ ऐलान सुन लीजिए और फिर वोट ऑफ थैंक्स होगा और वोट ऑफ थैंक्स होने के बाद आपको कहाँ जाना है बताया जा रहा है। सबसे पहले जो ऐलान थे वो सुन लीजिए कि हमारे प्रिंसिपल साहब ने पहले ऐलान किए थे कि 10th ए बी और 12th आर्ट्स कॉमर्स और साइंस यानी 12th और 10th के लिए नदीम भाई पटेलदार साहब की जानेब से खाने का इंतजाम किया गया है। आपको जाना क्या वो सुन लीजिए वरना इसके हॉल के बाहर जाने के पूछेंगे कहाँ जाना है तो वो उनके लिए खाने का
जाएगा। पहले सुन लीजिए, गोया के उठना नहीं आसिफ गोगो बैठे हैं, 5 मिनट का आखिरी बचा हुआ है और जब यहाँ से ऐलान होगा कि आपको हॉल के बाहर जाना है तो बस अपनी जगह बैठी रहेगी, फिर बॉल चले जाएंगे। लिहाजा आपके साथ आखिर में राष्ट्रीय गीत होगा। इससे पहले वोट ऑफ थैंक्स के लिए मैं बड़े आदर और एहतराम के साथ फतेहदार हाईस्कूल जूनियर कॉलेज के सीनियर टीचर मोहतरम जनाब परदेसी नदीम सर से इल्तिमास करता हूं कि तशरीफ लाए और आज का वोट ऑफ थैंक्स पेश करें। हर दिल में तेरी याद का बचता सितार है, क्या कर सकेंगे हम तेरे ऐ खुदा, दरिया तेरी इनायतों का बेकिनार है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहु। अजीज तुलबा तलबा, हमारी रिवायत के मुताबिक आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार जानदार प्रोग्राम रहा और वैसे भी आप तमाम जानते हैं कि शानदार जानदार प्रोग्राम के लिए शानदार शख्सियत का होना भी बहुत जरूरी होता है। आज बहुत ही खुशी हो रही है हमारे क्लासमेट और आज के चीफ गेस्ट, मुझे लगता है ये सबसे बड़ी मेरे लिए खुशी की बात है। अब्दुल सत्तार अंतोली साहब हमारे दरमियान मौजूद है, एक्स प्रिंसिपल, एक्स सुपरवाइजर, एक्स टीचर्स, एक्स स्टूडेंट, और उससे और क्या चाहिए। तो इनको देखकर मुझे तो ऐसे लगता है, कल बच्चों आपको कैसे लग रहा है? हमें तो ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हमको। इन्हें देखकर हमें ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हमको। और ये जो आज के हम देखेंगे कि देखते हैं, हम जब भी देखते हैं यहाँ, जैसे आज हमने बताया एक प्रिंसिपल है, सुपरवाइजर है, एक स्टूडेंट है, तो हमें यूं लगता है जैसे सब कुछ मिल गया हमको। जब हम देखते हैं यहाँ मुस्कुराते हुए आपको, हम तो कुछ देने के काबिल नहीं आपको, मगर देने वाला हर खुशी दे आपको। प्यारे बच्चों, आज का ये प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। मैं तमाम दुलबार दरबार के लिए हमारी एक ख्वाहिशात है, फजलदार हाई स्कूल जूनियर कॉलेज के प्रिंसिपल सुपरवाइजर तमाम की तरफ से मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। साथ ही साथ 10वीं और 12वीं 10th और 12th के बच्चों के लिए मैं कहूँगा कि खुशी के तरह ने गुनगुनाते रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, खुशी के तरह ने गुनगुनाते रहो, फूलों की तरह मुस्कुराते रहो, करो इल्म के नूर की जुस्तजू, उसी नूर से हर दम जगमगाते रहो। फजलदार हाई स्कूल और जूनियर कॉलेज के चेयरमैन प्रिंसिपल सुपरवाइजर की जानिब से मैं आप तमाम का, खुसूस मेहमान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। करता है हर शख्स का हर बार शुक्रिया, सौ सौ सुबह से आपका सौ बार शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। एक ऐलान ये है कि 10वीं और 12वीं के तुलबा तालिबात ने टीचर्स हजरात के लिए इनामात लाए थे, लेकिन वक्त की नजाकत का ख्याल रखते हुए वो दुआ में दिए जाएंगे, इधर है लाए हुए, मंडे के दिन इंशाल्लाह दुआ में दिए जाएंगे। अब राष्ट्रीय गीत का ऑर्डर मिलेगा, सावधान में राष्ट्रीय गीत होगा और उसके बाद फिर आपको जाने का विसर्जन का ऐलान होगा। राष्ट्रगीत शुरू।
टू बी स्टार्ट।